अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज चैलेंज वगैरह कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ये रोज़े वगैरह आया, तो यू नो के खाने पीने फिर अफ्तारी के बाद में, तो लेकिन आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे। तो वीडियो आज का हमारा सीन ये है कि आज हम अफ्तारी बनाएंगे खुद। अफ्तारी में आज बनाएंगे हम चिप्स, सालन, मीठा पानी, दूध सोडा, और बस यही है। क्योंकि मैंने अकेले ने अफ्तारी करनी है, तो अकेले के लिए इतना इनफ है। तो बंदा आते हैं, मिलते हैं आपको। सबसे पहले काटेंगे आलू, दिखाते हैं आपको खुद हम आलू बजाते खुद कैसे काटते हैं। मैं थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेता हूँ, पर खास इतनी ज़्यादा नहीं, पर आपको साथ साथ दिखाते हैं कि मैं कैसे कैसे क्या क्या बनाऊँगा। तो ये पकड़ते हैं आलू शालू, केले ने तैयार करनी है, तो इतने का काफ़ी है। तो करते हैं प्लेट, अब हम इसको काटेंगे। तो काटते हैं हम आलू। वाह क्या बात है पूजा, अभी तो आप समझ रहे होगे अजान हो रही है। अभी हम आलू काटने के बाद जाएंगे असर की नमाज़ पढ़ने, फिर आगे हम अपना बाकी काम शाम करेंगे। आलू हमने काट लिए हैं, आलू काटने के बाद हम निकाल लेंगे इसमें से बाउल हमें ये अच्छा लगेगा। बाउल हमने निकाल लिया है, इसमें हम डालेंगे आलू, इसमें डालेंगे पानी। ये हमने गोश्त निकाला है अपने, एक तो ना को पता फिर घर के किचनों का क्या हाल होता है। अच्छी तरह उसको बनाएंगे साफ। ये हो गए हमारे आलू साफ, हम गिराएंगे पानी इसका। ओहो कैमरा मैन मारा गया भाग, अब हमें खुद ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। तो हमने लगा कर दिया है चूल्हा ऑन। ये हमारा थोड़ा सा ऑयल बचा था जो हमारा इसमें लेके, हम ये डालेंगे इसमें सारा। अब इसको हम रखेंगे इधर, ये यहाँ से पकड़ेंगे ये, आराम से फुल कर दिया मैंने इसको। हम थोड़ा सा यहाँ पे ला के डालेंगे ऑयल, बस इतना काफ़ी है। इसमें डालेंगे प्याज, प्याज डाल दिया हमने। अब हम अब इसको करेंगे ब्राउन। ये हमारे प्याज तकरीबन ब्राउन हो गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, डाल दिए अदरक लहसुन का पेस्ट, गिरजा सिंह। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्च। तो अब हम करेंगे इसको मिक्स। चूल्हे की आंच कम कर देंगे थोड़ा सा कम, वेल ऑर्गेनाइज कर दिया है हमने अच्छी तरह से। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर खोल के रख लेंगे ना, समझा करें ना, फिर बार बार एक एक हाथ से करना मुश्किल हो जाता है। ये हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, ताकि रंग अच्छा आ जाए। फिर हम डालेंगे खुश्क धनिया, फिर हम डालेंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से काली लाल मिर्च, काफ़ी होगी इतनी। हाँ फिर हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, तो ना फिर हमारी ज़ीरा डाल दिया, या थोड़ा सा डालेंगे ज़्यादा। फिर हम डालेंगे इसमें नमकू, हाँ
हम इसमें डालेंगे नमक। ठीक हो गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बस। अब हम इसको करेंगे एक दफा अच्छे से मिक्स। नीचे लग गया ना, साथ साथ वीडियो बनाना भी बड़ा उससे काम है। ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपना गोश्त। ये देखो थोड़ा सा ही पकाना है यार मैंने, देखो बस। अब हम इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। हम दो दो जी हैं घर में और हमें यही नहीं ख़त्म होता। अब हम इसको पकाएंगे 10 मिनट हल्की आंच में। तो हमने इसको दिया हुआ था बीच बीच में हल्का हल्का सा, चम्मच भी बनाना चाहिए ना, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। हमें तो रोजा है, दिल कर रहा है खा लूँ, पर रोज़ा भी तो रखा हुआ है ना, रोज़ा भी तो पूरा करना है ना, समझा करो। हमारी हांडी मसाला हो गई है तैयार। अब लास्ट में हमें इसमें डालना है खुलजा सिमसिम गरम मसाला, ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। डाल दिया। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। लीजिए जी, हमारी ऑर्डर हो गई है तैयार। चूल्हा करेंगे बंद। अब लास्ट में हम डालेंगे इसके ऊपर धनिया, अच्छे से उसको निचोड़ के। पहले एक सेकंड इसको प्रॉपर इसकी तैयार कर लें अच्छी तरह से, फिर देंगे धनिया अच्छी तरह से निचोड़ के। लीजिए जी, माशाल्लाह 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 हो गई हमारी हांडी तैयार। अब हम इसके ऊपर रख देंगे इसका ढकना। और बाकी अभी इफ्तारी में टाइम है तकरीबन घंटा, तो जब आधा घंटा रह जाएगा फिर हम अपना बताएंगे दूसरा सोडा, और जो हमने चिप्स का मसाला तैयार करके रखा था वो उसको भी बता देंगे, फिर आपको वो भी दिखाएंगे, फिर इफ्तारी करेंगे। तो करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। रेस्ट करने के बाद आपको भी सारा सीन दिखाएंगे, यस कराएंगे आपको, अच्छी दिखाएंगे साथ साथ। ये आ गए हमारे आलू, फिर ये चूल्हा आ गया। ऑयल जो इसमें से था बचा हमने वो निकाल के इसको छाना है, उसको धोया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, ये वाला पहले थोड़ा सा। तो ये हमारी चिप्स हो गई है तैयार और हम इसको निकाल रहे हैं बाहर। एक हाथ से कैमरा पकड़ के काम करना भी ना बड़ा मुश्किल है। ये हमने पहले बीच में से चिप्स हमने डाल दी थी ज़्यादा, तो वो पक नहीं रही थी, फिर मैंने इसमें से थोड़ी सी निकाल दी थी, तो अभी हम वो भी पकाएंगे। फिलहाल ये तो हमारी रेडी हो गई है। ये लीजिए जी, चलिए जी हमारी माशाल्लाह मैंने सब कुछ यहाँ ला के रख लिया है। तो ये कल का कुछ पड़ा हुआ था सामान, तो ये भी हमने बीच में ऐड ऑन कर लिया है। तो अब करते हैं इफ्तारी। इफ्तारी करने के बाद जाएंगे नमाज़ पढ़ने, और मैं इसी व्लॉग का यहाँ पे करता हूँ ख़त्म। लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।